उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सेमिनार और एआई फॉर उत्तराखंड में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश ने एक अनूठी और एक विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अब पूरा विश्व विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और क्षमता को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित 224 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिया गया है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। इससे हम पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। भाइयों बहनों, कल मैं अमर उजाला द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में था तो वहां पर आपदाओं के बारे में जब एक प्रश्न आया तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपदा का सामना हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमारे राज्य के अंदर करना पड़ता है और हमारे जैसे जो भी हिमालयन राज्य हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में चाहे अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो या बादल फटने की घटनाएं हो या बाढ़ आने की घटनाएं हो, अनेक प्रकारों से हम इन समस्याओं से जूझते हैं। इस वर्ष भी हम जूझ रहे हैं, पिछले वर्ष दूसरे प्रकार से था, उससे पहले किसी अन्य प्रकार से था, अनेक त्रासदियां हमने उनका सामना किया है। लेकिन ये इस प्रकार की जो समस्या है आज, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आज संपूर्ण जगत में सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, हम सभी जानते हैं, उसके कारण से हम सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश